जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सचिवालय में अहम बैठक, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ले रहे हैं ब्यूरोक्रेसी की अहम बैठक। ई फाइल औसत निस्तारण समय की समीक्षा, संपर्क पोर्टल पर जन अभियोग निराकरण प्रगति की समीक्षा। इसके अलावा जल संरक्षण, जल संचयन, जल स्वावलंबन संबंधी कार्यों की प्रगति की समीक्षा की जा रही है। और इसके अलावा वनीकरण, वृक्षारोपण कार्य की प्रगति की भी समीक्षा की जा रही है। राज्य में पानी, बिजली, हीटवेव और मौसमी बीमारियों की स्थिति की भी समीक्षा की जा रही है। और इन बिंदुओं के बारे में जिला प्रभारी सचिवों के साथ संबंधित क्षेत्रों के वास्तविक स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं राजस्थान के मुखिया यानी कि भजनलाल शर्मा। मुख्य सचिव सुधांश पंत बैठक में शामिल है। इसके अलावा सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव, सभी जिला प्रभारी सचिव इस बैठक में शामिल है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए हैं सभी जिलों के कलेक्टर्स और संभागीय आयुक्त। लगातार जयपुर की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां तमाम अहम बिंदुओं को लेकर के ये बैठक की जा रही है। ऐसे में राजस्थान के मुखिया जो वास्तविक स्थिति है उसको लेकर तो जानकारी ले ही रहे हैं, इसके अलावा भी कुछ अहम दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ एसोसिएट एडिटर डॉक्टर ऋतुराज शर्मा भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ऋतुराज जी, और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है बैठक को लेकर? देखिए, बैठक में ये निर्देशित किया गया है कि जो वहाँ पर समस्या है, देखिए फील्ड में अधिकारियों ने उसको पॉइंट आउट करें, उनका वर्गीकरण किया जाए। वर्गीकरण क्या हो? वर्गीकरण ये हो कि राज्य स्तर की स्तर पे जो सुनिश्चित करने हैं, कोई बिंदु ऐसे हैं जिस पे नीतिगत निर्णय लेना है या कैबिनेट को फैसला लेना है, तो इस तरह के निर्णय को अलग वर्गीकृत किया जाए। और जो फौरी कार्रवाई विभाग द्वारा की जानी है किसी भी समस्या के बारे में, किसी भी बिंदु के बारे में, वो उसको अलग वर्गीकृत किया जाए। और उसमें वर्गीकृत करने के साथ साथ ये भी कहा, लिखा जाए उसमें कि किस तरह से समाधान होगा, क्या इसके जो चरण हैं समाधान के वो हो सकते हैं, और किन किन बिंदुओं पर काम हो चुका है, किन किन बिंदुओं पर काम बाकी है। तो ये वर्गीकरण जब होगा तो उससे समस्या चिन्हीकरण करके और उसका समाधान करने में आसानी होगी। जहाँ तक बात है कि इस तरह की समस्या फील्ड में नजर आ रही है, पानी बिजली को लेकर और स्वास्थ्य को लेकर, तो उस तरह से सरकारी मशीन कितनी सक्रिय है इसको लेकर यहाँ पर पूरा फीडबैक दिया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यही निर्देश दिया है कि किसी तरह की कोताही नहीं बरते हैं अधिकारी, लापरवाही नहीं बरते हैं, और यदि मामले में कोई एक्शन लेना हो, तुरंत त्वरित कार्रवाई करनी हो, तो वो बिना किसी हिचक के एक्शन लिया जाए, चाहे से वो अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी पड़े, चाहे से पानी के इंतजाम के लिए, बिजली के इंतजाम के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के इंतजाम के लिए जल्दी से निर्णय लेकर कोई संसाधनों की उपलब्धता करने बाबत हो, तो इनमें तुरंत एक्शन की यहाँ पर बात कही है। और मुख्य सचिव स्तर पर भी ये कहा गया है कि चूंकि सारे जो प्रभारी सचिव हैं उनकी रिपोर्ट मुख्य सचिव मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो मुख्य सचिव को पहले से ही निर्देशित है और मुख्य सचिव ने भी ये निर्देशित किया है कि इन तमाम जो समस्याएं हैं उनका वर्गीकरण करके इस तरह निदान किया जा सके उस पर अपना नोट डालकर भेजना होगा सचिवों, प्रभारी सचिवों को। हालांकि इसमें से कुछ काम इन्होंने कर लिए हों जो कि रिपोर्ट जो बनाई है उसमें, लेकिन जो रिपोर्ट है उसके बाद एक्शन प्लान किस तरह से होगा। दूसरी ओर एक प्रमुख रूप से बात सामने आ रही है कि जिस तरह की जो समस्या आई है इस वेव की, उसमें कोई सुनियोजित कार्रवाई की जानी जरूरी है। इसके तहत नीतिगत निर्णय अगर लिया जाना है तो उसको लेकर, क्योंकि यह बात बार बार कही जा रही है कि जो पहले जल संचयन के जो उपाय थे, जल संरक्षण ढांचे थे, उनका पुनरुद्धार का कार्य हुआ या नहीं हुआ, यह भी देखने की स्थिति है। पौधरोपण जो कि एक नियमित प्रक्रिया होनी चाहिए खासतौर पर वन विभाग में या और विभाग में, वो उसका काम किस तरह से हो रहा है, और जो जो डार्क जोन है जहाँ पेयजल नहीं है, उपलब्धता कम है या अति दोहित क्षेत्र हैं, तो उनमें क्या गतिविधियां जारी हैं, क्या वो अवैध गतिविधियां जारी हैं,
और टैंकरों की सप्लाई किस तरह से हो रही है। हमने देखा कि टैंकरों में भी चोरी का आरोप लगते रहे हैं और जो वास्तविक पीड़ित हैं, वास्तविक जरूरतमंद हैं, उन तक पानी नहीं पहुंच पा रहा। इसी तरह अगर बिजली की बात करें तो बिजली चोरी, बिजली चीजें तो रोकने के क्या उपाय हो सकते हैं, जो उपलब्ध बिजली है उसको समुचित युक्ति संगत वितरण किस तरह से हो सकता है और ऐसा वितरण कैसे हो सकता है कि नियमित आपूर्ति जारी रहे। कई बार ड्रिपिंग की और ट्रांसफार्मर टूटने की और इस तरह की घटनाएं सामने आती रही, इनको किस तरह से रोका जाए, इन तमाम बातों को लेकर कहा है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को वापस खड़ा करने की और इसमें अगर कोई वित्तीय प्रावधान किए जाने हैं, कोई निर्णय लिए जाने हैं, कोई स्वीकृति दी जानी, मंजूरी ली जानी है, तो उसको तुरंत गति से करने की। कहीं इसमें ये बात है कि टेंडर किए जाने हैं तो आचार संहिता के बाद इसको तुरंत गति से किए जाने की, काम कोई रुका हुआ है तो उसको किस तरह से तेजी लाकर सुनिश्चित किया जाए, इन तमाम बातों को लेकर यहाँ पर डिस्कशन हुआ है। और इसमें ये माना जा रहा है कि बहुत जल्दी फ्रूटफुल इसके नतीजे होंगे, क्योंकि जो अवैध घुसकर हैं उनके खिलाफ और जल संरक्षण को लेकर बार बार ये बात सामने आई है कि कानून ये चकलेट दे सकती है ये सरकार, तो उसमें कितनी प्रोग्रेस है और क्या आगे एक्शन प्लान हो सकता है, इन तमाम बातों को लेकर यहाँ विचार होना चाहिए। और बिल्कुल ऋतुराज, और खास बात यह है कि राजस्थान के मुखिया खुद इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि जनता को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया ऋतुराज आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ रेजिडेंट एडिटर लक्ष्मण राघव भी जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, लगातार बैठक जारी है, कई अहम मुद्दे जिसको लेकर चर्चा की जा रही है और जाहिर सी बात है आखिर में कुछ दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे मुख्यमंत्री के द्वारा। देखिए, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री खुद ग्राउंड जीरो पर फील्ड में दिखाई दिए और उसके बाद ये वीसी जिसमें तमाम जिला कलेक्टर और संभागीय आयुक्त शामिल हैं, सीधे तौर पर आप समझिएगा इस बात को, संदेश साफ है, आचार संहिता के बाद गियर अप करना है। खासतौर पर आप जानते हैं पश्चिमी राजस्थान इन दिनों हीट वेव और पानी जो सबसे बड़ी समस्या है उसको लेकर खासतौर पर फोकस है। बाकी अन्य अन्य विषयों पर भी मुख्यमंत्री और सीएस, जो कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ सीएस सुधांश पाठक भी हैं, वो तमाम फीडबैक लिया जा रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस इस वक्त यही है कि जो आम जन है उनको हीट वेव से किस तरह से हॉस्पिटल्स में कैसे जो है दिक्कतें ना हो, किस तरह से जो है पानी का वितरण जो है वो सही हो, वो जो चीजें जो तस्वीरें आती हैं उनको कैसे रोका जाए ताकि लोग परेशानी से बच सकें। आपने देखा होगा खासतौर पर पश्चिम राजस्थान में जो बिम्पारा आग उगला उसके बाद जो स्थिति बनी, तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री के तौर पर भजनलाल शर्मा वीसी के जरिए जो संदेश छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और जो मैंडेट वो तय करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है एक अच्छी कोशिश है, अच्छी पहल है। कलेक्टर्स और जो संभागीय आयुक्त है, निश्चित तौर पर जब इन विषयों को लेकर मुख्यमंत्री वीसी कर रहे हों तो स्वाभाविक बात है कि नीचे की मशीनरी जो और अधिकारी कर्मचारी हैं उनमें भी एक ऊर्जा आती है, एक संदेश जाता है और यही कोशिश फिलहाल मुझे लगता है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करते नजर आ रहे हैं। और बिल्कुल लक्ष्मण, क्योंकि खास बात यह भी है कि मुख्यमंत्री खुद निरीक्षण करने भी पहुंचते हैं, जनता के बीच उनकी मौजूदगी रहती है, उनसे पूछते भी हैं, तो जानते हैं वो किस नवाचार की जरूरत है और किस चीज में बदलाव की जरूरत है। बात आपने कही है कि केवल वीसी लेने तक बात नहीं है, वो खुद गए तो स्वाभाविक तौर पर आप ठीक कह रही हैं और बहुत महत्वपूर्ण बात कह रही हैं कि आप जब खुद जाकर चेक करते हैं तो बहुत सारा फीडबैक आपको मिलता है, बहुत सारी चीजों का पता लगता है। होता है ना कि मुख्यमंत्री के तो बहुत से आंख कान नाक होते हैं, कहा भी जाता है, तो मुझे लगता है जब खुद आप फील्ड में चले जाएं तो वो चीजें और दुरुस्त तौर पे आपको मिलती हैं और उसके बाद आप वीसी ले रहे हैं तो स्वाभाविक तौर पर आप बहुत सारे इशू पर अपने हिसाब से बात कह सकते हैं और फीडबैक तो होता ही है ब्यूरोक्रेसी का। आप ठीक करें कि केवल ये नहीं है कि एक कंडीशन में बैठ के आप वीसी ले रहे हैं, इससे पहले एक तरह से आप निकले हैं, आपने देखा है और आपने ये संदेश छोड़ने की कोशिश की है कि भैया इस मुश्किल घड़ी में जब पारा 50 के पार पहुंच गया हो, जब हालात ऐसे हैं, तब आपके सूबे का मुख्यमंत्री आपके साथ है, खड़ा नजर आ रहा है और कोशिश है कि आपको सुविधाएं और सहूलियत का ध्यान रखा जाए। बिल्कुल लक्ष्मण जी, आगे भी इस बैठक को लेकर अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।